जलवायु बदल रहा है। कभी अधिक वर्षा, कभी कम वर्षा, कभी कड़ाके की ठंड, कभी लू के थपेड़े। जलवायु परिवर्तन आज संपूर्ण मानव समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। बदलते जलवायु को देखते हुए अब खेती को भी बदलने की जरूरत है। इसी सोच के साथ कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम को तैयार किया गया है, जिसे आज शुरू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बिना जोते खेती, अर्थात शून्य जुताई से ही खेती, संरक्षित खेती, हैपी सीडर का प्रयोग, फसल अवशेषों का प्रबंधन, केचुआ का संरक्षण, जैव उर्वरक का उपयोग, ग्रीन सीकर का उपयोग, प्रेसिजन फार्मिंग जैसे अत्याधुनिक कृषि तकनीकों का प्रदर्शन किसानों के खेतों में किया जाएगा। वैज्ञानिक स्वयं इसका मार्गदर्शन करेंगे। इसके साथ ही भविष्य की तैयारी हेतु शोध कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। पहले फेज में यह योजना 8 जिलों में चलाई जाएगी। जो जलवायु के अनुकूल कृषि का कार्यक्रम होना चाहिए, इन सब चीजों को लेकर के भी हम लोग एक अभियान इसके लिए चला रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो अब उसके बारे में पूरी तैयारी हो गई और जो 4 संस्थाएं हैं उसमें सीधे इन्वॉल्व हैं। हमारे यहाँ के 2 कृषि विश्वविद्यालय के लोग उसमें हैं और फिर जो हम लोगों के यहाँ पूसा में बॉर्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया वह भी है, और जो पटना में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का क्षेत्रीय जो केंद्र है उससे भी जुड़े हुए कृषि वैज्ञानिक, ये सब उसके साथ जुड़े हैं। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही जाकर के, एक विश्वव्यापी समस्या खड़ी हुई है, उससे बिहार भी अछूता नहीं जाकर के। जलवायु परिवर्तन के कारण समय पर बारिश का ना होना, उससे हमारा कृषि प्रभावित हो रहा है। और आज जलवायु के अनुकूल खेती इस रास्ते पर हम चलेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो राज्य के अंदर तक किसान भाई बहनों के सामने जो चुनौती है, उस चुनौती में को अवसर में बदल कर आने वाले समय में बिहार पहला राज्य होगा, देश में जाकर के एक मॉडल के रूप में काम करेगा। आज जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों को वैश्विक पटल पर सराहा जा रहा है। I went to see, as you mentioned, the Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, who I've seen him over the last 10 years, a lot of great work that he's done in Bihar that our foundation has been able to help with. This is the first meeting I have with him, and I didn't expect it at all, where he was talking about climate change. I mean, when I'm in Seattle or Washington, D.C., you know, or London or Paris, you know, that's the big topic. But I was impressed that in Patna, he was saying, hey, we have a problem with climate change, and trying to, you know, get our advice and help about water supplies and seeds and what they can do to minimize the problem of that. माननीय मुख्यमंत्री के सोच के अनुरूप जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरुआत आज 20 नवंबर 2019 से किया जा रहा है। यह परियोजना बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पटना, बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इस परियोजना को 2 तरीकों से आगे बढ़ाया जा रहा है। पहला, वर्तमान में उपलब्ध जलवायु अनुकूल ऐसी तकनीकों और तरीकों को चयनित गांवों के किसानों के खेतों में प्रदर्शित किया जा रहा है जो जलवायु परिवर्तन से मुकाबला कर सकता है, साथ ही फसलोत्पादन के दौरान ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम मात्रा में करता हो, जैसे 0 टीलेज से गेहूं और दलहनी की खेती, धान की सीधी बुआई, मौसम अनुकूल चयनित प्रभेदों की बुआई, अंतर्वर्ती खेती, फसल अवशेष प्रबंधन, जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई, लेजर लैंड लेवलर,
न्यूट्रिएंट स्मार्ट तकनीकी, ग्रीन सीकर, कृषि वानिकी, मौसम पूर्वानुमान के अनुसार शस्त्र क्रियाओं पर जोर दिया जाना इत्यादि शामिल है। इसके अलावा परियोजना के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुसंधान कार्य भी किए जाएंगे। इस परियोजना को धरातल पर कैसे उतारा जाए, इसका भी ब्लूप्रिंट तैयार है। जलवायु के अनुकूल कृषि परियोजना को सबसे पहले मधुबनी, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा, गया और नालंदा में पायलट योजना के रूप में धरातल पर उतारा जा रहा है। इसके तहत अनाज फसलों के अलावा सब्जी फसलों, विशेषकर आलू और मोटे अनाज को भी शामिल किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक जिलों से 5 गांवों को लिया जा रहा है। इस प्रकार 8 जिलों के सभी 40 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। चयनित ये सभी गांव पूरे बिहार के लिए एक नजीर बनेंगे। आगे चलकर इन गांव में परियोजना के परिणामों की समीक्षा के उपरांत इसे पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। जलवायु बदला, नदियां बदली, बदल रहा सारा जहां, आओ बदलें खेती अपनी, चलो कुछ नया करें यहां।